अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपनी दूध की शॉप के अंदर और फ्रीजर के अंदर दूध पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर सारा दिन हमारा दूध सेल होता है, शाम तक तकरीबन 7-8 बजे तक हमारी ये शॉप खुली होती है। सुबह के टाइम यहीं पर दूध आता है और फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं और सारा दिन यहाँ पर सेल होता है। तो दिखाता हूँ आपको कि दूध कैसे रखा हुआ है फ्रीज़र के अंदर हमने। तो ये देखें, यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है इस खाने के अंदर और इस खाने के अंदर भी दूध पड़ा हुआ है। तो अभी आपको फार्म की सूरत हाल दिखाता हूँ। भैंसें थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल चुकी हैं और ये बच्चे देखें यहाँ पे सुकून से बैठे हुए हैं। फहीम आएगा, इन्हें खोल के नहलाएगा और सारे फार्म की सफाई भी करेगा। तो गब्बर दिखाता हूँ आपको, गब्बर काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, ये देखें यहाँ पे सोया हुआ है। तो आज इसे भी नहलाना है, गब्बर की भी आज फुल सर्विस करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं इसे नहीं नहलाया, काफ़ी स्मेल भी आ रही है इसके अंदर से, तो आज गब्बर को भी नहलाते हैं। तो भाई ये देखें, सुबह का नाश्ता आ गया मेरा घर से। तो ये साथ है 2 गंदम की रोटी और ये आलू की प्लेट, 1 गिलास पानी। तो अभी ये ठूस के फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया मेरा और ये देखें बर्तन बिल्कुल खाली हो गए। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं फहीम ने फार्म की सफाई की है या नहीं। तो अभी ये देखें सफाई हो रही है। जब तक भाई फार्म की सफाई होती है तो हम बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। अभी तो बचपन की बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये गब्बर को पकड़ लिया, अभी गब्बर की सर्विस करते हैं आज। तो ये पानी से घबराता है, नहाने में नखरे भी बहुत ज्यादा करता है। तो अभी इसे पकड़ के हम सर्विस करते हैं, पानी दो भाई। अभी आप देखिएगा ये पानी दे और नखरे करेगा अभी, फिर ये ढीला हो गया, इसको टाइट करते हैं, फिर इसकी सर्विस करते हैं। सरफ से पानी बनाया तो इस ब्रश के साथ इसे पूरा रगड़ूंगा मैं, ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी है सारी साफ हो जाए। काफी गंदा हो गया ये, इस वजह से इसकी सर्विस आज जरूरी हो गई है। काफी दिनों से इसे नहलाया नहीं है, नहाने में ये नखरे बहुत ज्यादा करता है, इस वजह से इसे बहुत कम नहलाता हूँ। तो अभी ये पानी डालने में बहुत ज्यादा नखरे करेगा, ये देखो। इसको पानी से घाटा महसूस हो रहा है। अब देखें आप इसका दूसरा लुक निकल आया। भीड़ अभी एक बार फिर से ब्रश लगाऊंगा, फिर गब्बर की सफाई मुकम्मल हो जाएगी। तो नीचे से ये काफी गंदा हुआ पड़ा है, और कैमरामैन मेरा बहुत अच्छा है जो स्टैचू बन के वीडियो बना रहा है। तो भाई ये हो गया आपका गब्बर तैयार। ये गब्बर को नहलाने के बाद थोड़ा ऐसे वॉक पे ले गया था मैं, तो अभी इसे वापस लेके जा रहा हूँ। तो अब गब्बर का लुक चेक करें फ्रेश होने के बाद। गब्बर
हेलो हेलो तो गब्बर को यहाँ पे बांध दिया है और मैं जा रहा हूँ अभी खत करवाने, तो खत करवाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखें भाई, अभी मैं यहाँ पे शॉप पे आया हूँ दाढ़ी बनवाने। तो ये हमारे इकलौते बार्बर यहाँ पे सफाई करने में लगे हुए हैं, तो अभी ये सफाई कर लें फिर इनसे हम खत करवाते हैं अपनी। तो दाढ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी दिनों से सोच रहा था पर टाइम नहीं मिल रहा था मुझे दाढ़ी बनवाने का, तो आज सुबह सुबह ऐसे पकड़ लिया है मैंने। जैसे ही उसने शॉप खोली है अंदर मैं आ गया हूँ जूम। तो भाई उस्ताद ने मुझे बिल्कुल यम पम टुंग टुंग कर दिया है, तो आपको उस्ताद का चेहरा दिखाता हूँ। उस्ताद ये कौन सा स्टाइल बनाया है? कौन सा स्टाइल है? बलोची स्टाइल है। यस। तो चलो फिर हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है उस्ताद, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो भाई हमारी दाढ़ी बनना स्टार्ट हो गई है, तो दुआ करें ये उस्ताद दाढ़ी बनाए, कुछ और ना बनाए। तो ये चांडियो भी हमें यहाँ पे मिल गया है, इसे तो आप पहचानते होंगे, ये वही बंदा है जो सिंगिंग करता है। तो भाई कोई गाना सुनाना चाहोगे? भाई अभी वहां को थोड़ा जल्दी है। कौन सा जल्दी है भाई? उधर जाएगा थोड़ा। किधर जाएगा? गांव में थोड़ा मेहमान। थोड़े दो बोल, यकीन माना दो बोल भी नहीं सुनाओगे? ऑडियंस फैन है आपकी। जा छड़े पर धार किस्मत थी करे, दोस्त हो दिल मारो हिकड़ो, सो भी थियो जुम का परे।